26 मई 2016 के दिन अमेरिका में रहने वाली अयाना नाम की महिला दोपहर के टाइम पर अपनी माँ के साथ अपने घर से शॉपिंग वगैरह करने के लिए निकली और वो शॉपिंग वगैरह भी कर ही रही थी तभी उसके मोबाइल में बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हुए। जिन मैसेजेस को देख के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। उसने जो भी सामान अपनी माँ के साथ अभी खरीदा था वो सारा वहीं पटक दिया और तुरंत ही अकेली वहाँ से बाहर निकली, अपनी गाड़ी में बैठी वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी माँ, जिसने अभी अपनी बेटी को जाते हुए देखा था, उसको कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है और वो किस मुसीबत में फंसने वाली थी। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इस बहुत ही भयंकर केस के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही दर्दनाक एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें अमेरिका के लॉस एंजलिस में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करता था ब्लेक लाइबल नाम का ये लड़का। वैसे तो ये दिखने में लड़का बिल्कुल नॉर्मल सा था। इसका जन्म यहाँ कनाडा में हुआ था और बाद में अपने पिता के साथ शिफ्ट हो चुका था लॉस एंजलिस अमेरिका में। अब ये लड़का कुछ ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसके सिर्फ हम सपने ही ले सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अमीर परिवार से ये बिलोंग करता था। इसके पिता का यहाँ बहुत बड़ा प्रॉपर्टी वगैरह का बिजनेस था और साथ ही इसकी माँ की वहाँ बहुत बड़ी एक प्लास्टिक कंपनी थी, प्लास्टिक के जो रिसाइकलिंग कंपनी होती है वो काम यहाँ इसकी माँ कर रही थी। और ये दोनों मिलके अपने इस इकलौते लड़के को बहुत सारा पैसा हर महीने उड़ाने के लिए देते। अगर सही आंकड़ों में बात करूं तो जब ये बड़ा हो रहा था तब इसको पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 18,000 यूएस डॉलर्स खर्चे के लिए दिए जाते थे। अब आप सोच कर देखिए, 18,000 यूएस डॉलर्स हर महीने खर्चे के लिए, जो कि आज के टाइम पर हमारे लिए तकरीबन 14.5 से 15 लाख रुपए हो जाते हैं, और इतना पैसा तो इस बाऊजी को सिर्फ और सिर्फ खर्चे के लिए दिया जाता था। लेकिन तब टाइम आया सन 2011 का, जब ब्लेक की एलेनोर उसकी किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई और इसका झटका यहाँ ब्लेक को भी लगा, उसके पिता को भी लगा। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही दोनों इस झटके से उभर भी आए और सारा का सारा जो उसकी माँ का सेटअप किया हुआ था, वो फैक्ट्री वगैरह प्लास्टिक वाली, वो सारी की सारी यहाँ ब्लेक को मिल चुकी थी और उसकी कीमत तकरीबन 6 मिलियन डॉलर्स के आसपास की थी। अब इतना बड़ा बिजनेस एकदम से यहाँ ब्लेक को मिल चुका था तो यहाँ उसे संभालना भी था और साथ ही अपनी जिंदगी को भी मैनेज करना था। लेकिन इस ब्लेक के अंदर दिक्कत थी और वो दिक्कत ये कि जो भी व्यक्ति इसकी फैक्ट्री में काम किया करते थे, ये उनको रैंडमली ही पकड़ता, जस्ट रैंडमली इकट्ठा करता, अपने ऑफिस में बुलाता और उनके साथ बातें करने लगता। बातें किस टाइप की? नॉर्मल, उनसे उनकी जिंदगी के बारे में पूछता, अपनी जिंदगी के बारे में उनको बताता। लेकिन ये बातें कब वायलेंट टॉपिक्स में बदल जाती थी ये किसी को पता नहीं चलता। जी हाँ, सभी ने बताया कि ब्लेक बातें करते करते सेक्सुअल बातों के ऊपर आ जाता और उनसे बोलने लगता कि मैंने इस तरीके से भी अपने संबंध बनाए हुए हैं, इस तरीके से भी बनाए हुए हैं, उस तरीके से भी बनाए हुए हैं। बहुत अजीब अजीब तरीके यहां वो अपने कारीगरों को बताता कि आप भी ऐसे किया करो, ये किया करो, वो किया करो। लेकिन यहां उन सभी को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो जस्ट सुनते मालिक की बातें और सुनकर वापस अपने काम धंधे पर लग जाते। इसके अलावा भी यहां पर ब्लेक हमेशा से सोचता है था कि ये जो सारा बिजनेस उसे मिला हुआ है ये या तो माँ का है या फिर बाप का। लेकिन आज तक उसने अपने आप से जिंदगी में कुछ भी नहीं किया तो जरूर उसे भी कुछ करना चाहिए। तो उसका इंटरेस्ट यहाँ गया फिल्म डायरेक्टिंग वगैरह में, तो उसने काफी सारी लो बजट की फिल्में भी डायरेक्ट करी। और इसके अलावा यहाँ पर उसको लिखने का भी शौक था तो उसने एक नॉवल भी लिखा जो बहुत ही ज्यादा ग्राफिक था और उस ग्राफिक नॉवल का नाम सिंड्रोम यहाँ पर उसने रखा। अब आप इस नॉवल को याद रखिएगा क्योंकि ये नॉवल आपको आगे इस केस को समझने में काम आएगा। खैर, इन सब बातों से भी कोई लेना देना नहीं है। बाहर से देखे तो ब्लेक बिल्कुल एक नॉर्मल सा इंसान था, अंदर से इसकी जो भी पर्सनल लाइफ थी वो इसका खुद का लुकआउट था, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। खैर, यहाँ सन 2013 में ब्लेक की शादी भी हो चुकी थी, इसकी बीवी का नाम अमांडा ब्राउन था और इन दोनों ने मिलकर अपना एक नया घर बेवरली हिल्स में ले लिया, वहां जाकर रहने लगे। लेकिन यहाँ सन 2015 तक आते आते अमांडा ने डाइवोर्स फाइल कर दिया और ये तलाक हो भी गया। लेकिन ये तलाक हुआ किस लिए था, इसका रीजन जब आपको पता लगेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इस वजह से भी यहाँ कोई तलाक ले सकता है। उसका रीजन आपको थोड़ी ही टाइम में पता लगेगा। लेकिन इस तलाक के बाद ही ब्लेक को एक अयाना कासियन नाम की लड़की मिल चुकी थी। असल में यहाँ अयाना कासियन यूक्रेन की रहने वाली थी और सन 2014 में ही अपना करियर वगैरह सेटअप करने के लिए वो अमेरिका आई थी और अमेरिका में भी लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गई, जो कि उसके लिए बहुत ही बदकिस्मत वाली बात थी। सन 2015 में ये दोनों आपस में पहली बार मिले और देखते ही देखते दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होने लगी। लेकिन यहाँ जो इनका रिलेशनशिप था ये बहुत जल्दी 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 काम कर रहा था। मिड 2015 में मिलने के बाद एंड 2015 तक आते आते इन दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली थी और एंगेजमेंट के कुछ ही टाइम बाद यहाँ अयाना प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। और यहाँ प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही अयाना ने एक बच्ची को जन्म दिया, उसके बाद से ही यहाँ ब्लेक का जो व्यवहार था, उसी दिन से यहाँ ब्लेक का व्यवहार अयाना के
संस्कृति पूरी तरह से बदल चुका था। जी हाँ, अयाना ने इस बच्ची को जन्म असल में सी सेक्शन से दिया था, जो आपको पता ही होगा कि सर्जरी वगैरह होती है कोई, तो उस तरीके से यहाँ ये बच्ची इस दुनिया में आई थी। और डॉक्टर ने यहाँ पर अयाना को बोल दिया था कि आपको काफी लंबे टाइम तक रेस्ट करना पड़ेगा ताकि आप वापस स्वस्थ हो सको। लेकिन यहाँ पर ब्लेक ने इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसने प्रॉपरली अयाना से बोल दिया कि वो डेली तुम्हारे साथ संबंध बनाएगा, और अगर तुमने संबंध बनाने से मना किया तो उसको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। ये बात सुनते ही अयाना बहुत ज्यादा दुखी हुई कि ये आदमी आखिर क्या बोल रहा है। उन दोनों की अभी अभी एक बच्ची पैदा हुई है और ये बंदा आखिर यहाँ पर संबंध बनाने की डिमांड कर रहा है अगले ही दिन यहाँ पर प्रेगनेंसी से। इस बात से परेशान होकर अयाना ने तुरंत अपनी माँ को फोन किया, जो कि यूक्रेन में बैठी हुई थी। यूक्रेन में बैठी अपनी माँ को सब कुछ समझाया कि यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है और ऐसे ऐसे ये ब्लेक डिमांड कर रहा है। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम वहीं रुको, मैं भी यहाँ पर अपना सारा तामझाम लेकर शिफ्ट हो जाती हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे साइड में ही कहीं रह लूंगी और वहां तुम्हारी बच्ची का ध्यान रख लूंगी, और तुम दोनों अपने फ्यूचर के ऊपर अपना कंसंट्रेशन बनाकर रखना। सोचकर देखिए आप, एक बच्ची को पालने के लिए यूक्रेन से एक महिला शिफ्ट हुई लॉस एंजलिस में। खैर, अब अयाना की माँ लॉस एंजलिस में आ चुकी थी। अयाना ने अपनी बच्ची को अपनी माँ के हाथों में सौंपा ताकि वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लेक के साथ संबंध बना सके, उसको अच्छे से टाइम दे सके। लेकिन यहाँ पर फिर भी ब्लेक को कोई भी मजा नहीं आ रहा था। उसकी जो जिंदगी थी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे लग रही थी उसे, क्योंकि अब उसको अयाना के साथ बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। तो यहाँ उसने अयाना को बोल दिया कि देखो, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, अगर तुम यहाँ मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकती प्रॉपर तरीके से तो मुझे मजबूरन कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर अयाना पूरी तरीके से उसके ऊपर रिलायंट हो चुकी थी, उसके ऊपर निर्भर हो चुकी थी, तो वो ऐसे ही इस आदमी को नहीं जाने दे सकती थी। उसकी भी मजबूरी थी क्योंकि यहाँ पर एक बच्ची अब उसके जिंदगी में आ चुकी थी, उसका भी ध्यान रखना था, खुद का भी ध्यान रखना था, अब वो कैसे ही इतना सब मैनेज कर सकती थी। और बिल्कुल इसी कारण की वजह से ब्लेक का पहले डाइवोर्स हुआ था अपनी पहली बीवी अमांडा के साथ। ये ब्लेक उसके सामने भी डेली डेली डिमांड रखता कि मुझे इस तरीके से तुम्हारे साथ संबंध बनाने हैं, उस तरीके से बनाने हैं। इन चीजों से परेशान होकर अमांडा ने तुरंत यहाँ डाइवोर्स फाइल कर दिया और वो अपनी जगह शिफ्ट हो चुकी थी। मई 2016 का टाइम आ चुका था और मई 2016 की शुरुआत में ही पुलिस वाले एक दिन अयाना और ब्लेक के घर पर आए, दरवाजा खटखटाया, अयाना ने दरवाजा खोला, पुलिस वालों ने ब्लेक के बारे में पूछा, ब्लेक अंदर सोया पड़ा था। पुलिस वाले अंदर बेडरूम में गए, ब्लेक को उठाया और उसे अपने साथ झप कर ले गए। लेकिन यहां अयाना बार बार पूछ रही थी पुलिस वालों से कि जनाब, आप उसको लेकर क्यों जा रहे हैं, क्या इसने किया है। तो यहाँ पुलिस वालों ने कह दिया कि हम और किसी चीज के लिए नहीं बल्कि इस ब्लेक को रेप के जुर्म में उठा रहे हैं। अब ये नई चीज अयाना के लिए बहुत ज्यादा भारी होने वाली थी कि आखिर ये तो मेरे साथ सारा दिन संबंध बनाता है और किसी के साथ जाकर कहाँ बनाया या। लेकिन यहाँ अयाना को कुछ नहीं पता था कि ये बाहर भी इसके अलग अलग जगह चक्कर चल रहे थे और उनमें से ही एक ने रेप का केस इस ब्लेक के ऊपर डाल दिया था। खैर, अब यहाँ कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद अयाना ने ही $1,00,000 का बॉन्ड भरकर इस ब्लेक को जेल से बाहर निकलवाया, इसकी जमानत करवाई और फाइनली दिन आ चुका था 23 मई 2016 का। और इस दिन तक आते आते अयाना और ब्लेक के बीच में काफी बहस चल रही थी कि यहाँ ब्लेक ने किसके साथ रेप किया है। ब्लेक यहाँ पर बता नहीं रहा था, अयाना बार बार पूछ रही थी, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो बार बार ब्लेक को समझाई जा रही थी कि ऐसे जिंदगी नहीं चलती, वैसे जिंदगी नहीं चलती, उसको यहाँ ब्लेक के साथ नहीं रहना। ब्लेक ने भी कह दिया ठीक है, यहाँ पर अपना तामझाम उठा और निकल यहाँ से। अयाना ने भी अपना सारा तामझाम पैक करके वो अब अपनी माँ के घर पर शिफ्ट हो चुकी थी। और फाइनली अब 23 मई के दिन सुबह सुबह अयाना और उसकी माँ ओल्गा दोनों ने ही सोचा कि घर में थोड़ा सामान खत्म हो चुका है और इन दोनों को शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाना चाहिए। बच्ची भी यहाँ पर उनकी सो रही थी, तो ये दोनों घर से बाहर निकले, गाड़ी उठाई, गाड़ी उठाकर पास ही के एक सुपरमार्केट में गए, वहां गाड़ी पार्क करी और अब दोनों जाकर अंदर शॉपिंग वगैरह करने लगे थे। लेकिन जब ये अयाना और ओल्गा दोनों ही सुपरमार्केट में रहते हुए शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, उसी टाइम पर बार बार अयाना अपने फोन को चेक कर रही थी। उसकी माँ ने ऐसा बताया, हर 2 मिनट में अपना फोन निकाल कर देखती क्योंकि उसके फोन में बार बार मैसेजेस आ रहे थे और इतने सारे मैसेजेस आए कि अयाना ने परेशान होकर अपनी माँ को बोल दिया कि माँ, तुम यहीं रुको, तुम शॉपिंग वगैरह करो, ये गाड़ी की चाबी पकड़ो, तुम अपने आप अपने घर चले जाना, मुझे एक बार जाकर ब्लेक से मिलकर आना होगा। तो वो बहुत जल्दी में बिना कुछ और बताए अपनी माँ को अपनी गाड़ी की चाबी सौंप कर वहां से बाहर निकली, सीधा ही ब्लेक के घर पर जा पहुंची। लेकिन यहाँ अयाना की माँ ओल्गा को कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपनी बेटी को अंतिम बार देख रही है। 23 मई का दिन बीत चुका था, 24 मई की सुबह आ चुकी थी। 24 मई की सुबह होते होते ओल्गा को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी कि उसकी बेटी आखिर इतनी जल्दी में उस ब्लेक के पास क्यों गई थी, इन दोनों के बीच में तो लड़ाई चल रही थी, आखिर इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हुई जो इतनी जल्दी में अयाना को जाना पड़ा। लेकिन यहाँ अयाना को बार बार फोन भी कर रही थी बट अयाना फोन नहीं उठा रही थी। फोन ना उठाने की वजह से ओल्गा बहुत ज्यादा परेशान हुई। सुबह होते होते ओल्गा ने खुद ही सोचा कि वो क्यों ना इन दोनों
के अपार्टमेंट पर जाकर देख कर आए कि आखिर क्या भसड़ यहाँ चल रही है। ओल्गा ने खुद अपनी गाड़ी उठाई, अयाना और ब्लेक वाले अपार्टमेंट पर गई और बाहर जाकर अयाना चिल्लाने लगी। साइड में ही उस दरवाजे के खिड़की लगी हुई थी जो कि खुली हुई थी। अयाना की माँ ओल्गा उस खिड़की के अंदर से ही देख देख कर बार बार अयाना चिल्ला रही थी, लेकिन अयाना का अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जबकि दरवाजा अंदर से बंद था, ऑब्वियसली ब्लेक घर के अंदर था। ब्लेक बाहर गेट की तरफ आया, उसने खिड़की को बंद किया उसकी माँ के सामने ही। उसने उस साइड वाली छोटी सी खिड़की को बंद किया, जबकि यहाँ बाहर उस खिड़की के ऊपर ओल्गा खड़ी हुई थी, बार बार अयाना चिल्ला रही थी। लेकिन यहाँ ब्लेक ने ओल्गा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके मुंह पर ही खिड़की बंद करके वो वापस घर के अंदर चला गया। अब ये चीज देखकर ओल्गा को बहुत ज्यादा टेंशन हुई। उसको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बेवकूफ सा आदमी क्या कर रहा है, उसने क्यों नहीं उसको बताया कि अयाना आखिर कहां पर है। खैर यहाँ ओल्गा वहां से बाहर निकलकर पास के एक पुलिस स्टेशन में गई। वहां जाकर उसने एक वेलफेयर चेक होता है वहां पर। वेलफेयर चेक मतलब कि आपको किसी भी घर के अंदर चेकिंग करवानी हो पुलिस वालों से कि आप उस घर में जाकर देखिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, उसको वहां पर वेलफेयर चेक कहा जाता है। और उसी के लिए जाकर पुलिस वालों के सामने अर्जी दाखिल करी कि आप इस घर के अंदर जाकर देखिए कि वेलफेयर चेक के तौर पर मेरी बेटी वहां ठीक है या नहीं। लेकिन यहां पुलिस वालों ने काफी टाइम ले लिया इस वेलफेयर चेक को अंजाम देने का। लेकिन फाइनली एक दिन ऐसा भी आया जब पुलिस वालों का नशा उतरा, उन्होंने अपनी माल की पुड़िया वापस अपनी जेब में डाली और अपनी गाड़ी उठाकर वो इस ब्लेक वाले अपार्टमेंट पर गए। उन्होंने वहां का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। पुलिस वालों को लगा कि ये दरवाजा बाहर से ही बंद है, जबकि बाहर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। बट फिर भी पुलिस वालों का मानना था कि दरवाजा बाहर से ही बंद है, अंदर कोई नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सोचकर देखिए किस लेवल का माल उन्होंने फूका हुआ था जबकि वो दरवाजा अंदर से बंद था। खैर पुलिस वाले वापस आ चुके थे और वापस आने के भी कुछ दिनों बाद तक बेचारी ओल्गा पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती रही कि जनाब एक बार आप जाकर देख लीजिए, उस अपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ है, वहां आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो फाइनली 100 से भी ज्यादा बार रिक्वेस्ट करने के बाद पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी फिर से उठाई, वापस इस ब्लेक वाले अपार्टमेंट पर आए और वापस दरवाजा खटखटाना शुरू किया। लेकिन दरवाजा अब की बार फिर से अंदर से बंद था, जबकि फिर से पुलिस वालों को लग रहा था कि ये बाहर से बंद है। ओल्गा बार बार पुलिस वालों को बताई जा रही थी कि नहीं जनाब वो अंदर ही है, ब्लेक अंदर ही है, आप इस दरवाजे को तोड़ दीजिए। पुलिस वालों ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया, लेकिन दरवाजा अजीब रूप से टूट ही नहीं रहा था। इतना मजबूत ये दरवाजा नहीं लग रहा था, लेकिन दरवाजा टूटने का नाम नहीं ले रहा था। खैर जोर लगाने के बाद, थोड़ी बहुत मशीनों का इस्तेमाल करने के बाद वो दरवाजा टूटा। तब पुलिस वालों को पता लगा कि ये दरवाजे के पीछे तो बहुत सारे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बहुत सारी फटियां लगाई गई हैं टेढ़ी मेढ़ी, ताकि ये दरवाजा टूट ना सके और ना ही खुल सके। अब ये चीज देखते ही पुलिस वालों के मन में शक हो गया कि आखिर जो भी व्यक्ति इस घर में रह रहा है उसने इस दरवाजे को इस तरीके से लॉक क्यों किया है। खैर जैसे ही दरवाजा टूटा, ब्लेक अंदर से बाहर निकल कर आया और ब्लेक से अब पुलिस वाले पूछने लगे कि हाँ भाई बाबूजी बता क्या बीमारी है तेरे को, क्यों तूने ओल्गा को परेशान किया हुआ है और इसकी बेटी अयाना आखिर कहां पर है। लेकिन इससे पहले कि ब्लेक कुछ बोल पाता पुलिस वालों का ध्यान इस घर की दीवारों के ऊपर गया जो की सारी खून से सनी हुई थी। पुलिस वाले अभी इस ब्लेक से पूछ रहे थे कि ये बाबूजी वापिस एक कमरे में गया और अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। पुलिस वाले अब बाहर खड़े खड़े बोल रहे हैं कि आजा भाई अंदर किस लिए चला गया, बात तो कर ले आखिर कम से कम कि हुआ क्या है। लेकिन ये अंदर से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन इसने अंदर जाकर अपने एक दोस्त को फोन किया और वो दोस्त आखिर में वकील था। लेकिन यहाँ सोच कर देखिए वो दोस्त उसका, वो जैसे ही यहाँ पर पहुंचा इस अपार्टमेंट में, उसने भी आकर ब्लेक को सरेंडर करने के लिए कहा। उसके कहने पर ब्लेक ने अंदर से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर वो जब बाहर आया तो वो बिल्कुल बस अंडरवियर में था, पूरा के पूरा नंगा, सिर्फ अंडरवियर पहनकर वो बाहर आया। बाहर आते ही पुलिस वालों ने देखा कि उसके पैरों के ऊपर भी खून लगा हुआ है और ये खून सीधा उसी कमरे से आ रहा है जिस कमरे में इसने अपने आप को भी बंद किया था। पुलिस वालों ने जब उस कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहां का हाल कुछ ऐसा था कि उनको जिंदगी भर वो याद रहेगा। सामने फर्श के ऊपर अयाना की गली सड़ी लाश पड़ी हुई थी और उसके जो डिटेल्स थी वो बहुत बहुत ज्यादा भयंकर थी, इतनी भयंकर कि मैंने आज तक ऐसा केस कभी कवर नहीं किया था। पुलिस वालों ने बताया कि जैसे उन्होंने उस लाश को देखा वो मान ही नहीं रहे थे कि एक लाश भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ अयाना के सिर के ऊपर बाल ही नहीं थे। अब बाल नहीं थे तो यह कारण समझ में आता है कि हो सकता है काट दिए गए हों, लेकिन नहीं, बाल तो तब होंगे ना जब उसके सिर के ऊपर त्वचा होगी। क्योंकि यहाँ पर हुआ यह था कि जैसे ही अयाना ब्लेक से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंची तो यहाँ ब्लेक ने उसको झूठ बोलकर अपने पास बुलाया था और झूठ ये बोला था कि मैं तुम्हारे घर जाकर बच्ची को उठा लाया हूँ और वो बच्ची मेरे पास है, अगर तुम्हें वो बच्ची चाहिए हो तो तुम मेरे पास आ जाओ। अब ये चीज सुनते ही
बेचारी अयाना उस शॉपिंग सेंटर से वहां भागी और भाग कर सीधा इस ब्लेक के पास आ पहुंची। और यहां आते ही उसने ब्लेक से सीधा अपनी बच्ची को मांगा, लेकिन बच्ची तो इसके पास थी ही नहीं। जबकि यहां पर झूठ बोलने की वजह से अयाना को गुस्सा आया और इन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। और इसी लड़ाई के बाद इस ब्लेक ने अयाना को निपटाने का सोच लिया था। उसने अयाना को पकड़ा और अपनी जेब से चाकू निकालकर और उसके गले के ऊपर मारने शुरू कर दिए और इतनी बार चाकू मारे कि उसके गले से अब खून निकलना बंद हो चुका था। खैर ये ब्लेक अभी भी नहीं रुका, ये तो जस्ट शुरुआत थी अयाना की लाश के साथ खेलने की। उसने सबसे पहले अयाना के बालों को उतारने का सोचा और उतारने के लिए सोचकर देखिए उसने क्या किया। उसने सिंपली एक चाकू से यहां से पूरी स्किन को काटना शुरू कर दिया और काटते काटते वो पूरा का पूरा जो स्कल होता है ये स्कल उसका साफ दिखने लगा था। उसने पूरी की पूरी स्किन उतार ली जिसके ऊपर बाल लगे होते थे। अयाना के सिर से उसकी बालों वाली पूरी स्किन उतर चुकी थी, उसकी जो खोपड़ी थी वो दिख रही थी यहां पर, लेकिन अभी भी इस ब्लेक को चैन नहीं था। उसने बीच में से चाकू चलाना शुरू किया और राइट साइड वाला जो फेस था वो पूरा का पूरा उतार लिया। किस लिए ये पता नहीं, जस्ट उतार लिया क्योंकि उसको बस मजा रहा था ये काम करने में। ये ब्लेक यहीं भी नहीं रुका, उसने अयाना के पूरे शरीर के ऊपर चाकू नहीं चलाए लेकिन यहाँ अयाना के पूरे शरीर के ऊपर इस ब्लेक के दांतों के निशान थे और इतने गहरे निशान थे कि इस लाश को पड़े हुए यहाँ पर एक हफ्ते के आसपास का टाइम हो चुका था, लेकिन फिर भी वो निशान अयाना की लाश के ऊपर मौजूद थे। सोचकर देखिए आप कितने दबाव के साथ इस ब्लेक ने अयाना के शरीर के ऊपर काटा होगा, अपने दांत लगाए होंगे कि वो निशान एक हफ्ते बाद भी अयाना के शरीर के ऊपर मौजूद थे। खैर पुलिस वालों ने इस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और डॉक्टर्स ने यहाँ पर बताया कि बदकिस्मत से जब ये सारा काम ही जब ये टॉर्चर का प्रोसेस अयाना के साथ हो रहा था उस टाइम पर बेचारी अयाना जिंदा थी। जी हाँ, जिस टाइम पर उसने गले के ऊपर वार किए थे अयाना को मारने के लिए और उसको यहाँ पर लग रहा था कि अयाना मर चुकी है, लेकिन उस टाइम पर भी अयाना जिंदा थी। और जब ये पूरा काम जब ये पूरा टॉर्चर बेचारी अयाना के साथ हो रहा था, उसके सिर से स्किन उतारी जा रही थी, उसके गाल वगैरह उतारे जा रहे थे, तब बेचारी अयाना जिंदा थी और उसको ये सब कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाई, अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर नहीं पाई। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके पूरे चेहरे से 80% चेहरा निकाला जा चुका था, सिर्फ 20% ही बचा हुआ था राइट साइड वाला, और साथ यहां पर अयाना का लेफ्ट कान लेफ्ट ईयर वो भी यहां पर गायब था। पुलिस वालों ने सीधा ही ब्लेक से पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या भसड़ तूने मचाई है, बता क्या हुआ है यहां पर। खैर वो तो अभी बाद में बताने वाला था, बट यहां पर डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैरान थे एक चीज को लेकर, और वो चीज ये कि अयाना के शरीर के अंदर कमर से नीचे वाले हिस्से में तो थोड़ा बहुत खून मौजूद था, ऊपर वाले हिस्से में तो एक बूंद भी नहीं था। जो खून लास्ट में बच जाता है दो चार बूंद, वो भी अब तो नसों के अंदर जम चुका था। इसके अलावा अयाना का शरीर ऊपर से तो पूरा सूख चुका था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति का खून निकलेगा तो उसका पूरे शरीर से निकलेगा, अगर नॉर्मली अगर वो मरा हो तो उसका पूरे शरीर से निकलेगा, पूरा शरीर खाली होगा, लेकिन यहाँ अयाना की कमर के नीचे से तो खून मौजूद था, ऊपर वाले हिस्से में खून की एक बूंद भी मौजूद नहीं थी। जब ये चीज ब्लेक से पूछी गई तो उसने बताया कि हां मैंने अयाना को मारने के बाद उसकी लाश को उसके बाथरूम में लेकर गया और ऊपर जो वहां कर्टेन वाला पाइप लगा होता है उस पाइप के ऊपर एक रस्सी बांधी, अयाना के पैरों में रस्सी बांधी और खींच दिया। जी हां, उसने अयाना की लाश को उल्टा टांग दिया था और वो सारा खून निकल निकल कर अब वो बाथटब जो था उसके अंदर जाने लगा, लेकिन तभी यहाँ रस्सी टूट गई और वो लाश जो थी वो नीचे आ गिरी और इसी वजह से ऊपरी हिस्से का तो खून निकल चुका था लेकिन नीचे वाला खून अभी भी बचा हुआ था। और उसके बाद इस ब्लेक ने उस लाश को खींचकर वापस अपने बेडरूम में लेकर आया और उसको काटना शुरू कर दिया। अयाना के दोनों हाथों के ऊपर डिफेंसिव वुंड्स मौजूद थे, मतलब उसने अपनी आत्मसुरक्षा के अंदर अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर अपने आप को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इस राक्षस से अपने आप को बचा नहीं पाई क्योंकि इसके पास चाकू थे। वो बेचारी निहत्थी थी, वो बेचारी कमजोर थी। पुलिस ने इस घर की तलाशी लेते हुए इस घर के अंदर से 11 बड़े बड़े बैग्स को बरामद किया और इन सभी के अंदर कूड़ा भरा हुआ, और जब उस कूड़े को इंस्पेक्ट किया गया तो उसके अंदर पता लगा कि इसके अंदर तो बहुत सारे इंसानी बाल मौजूद हैं, बहुत सारे इंसानी टिश्यूज मौजूद हैं। पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये सारी निशानियां किसी और की नहीं बल्कि बेचारी अयाना की ही हैं। साथ यहां पर बहुत सारी बेडशीट्स भी मौजूद थी जिनके ऊपर खून लगा हुआ था बहुत सारा। डॉक्टर्स ने बताया कि मरने से तकरीबन 8 से 9 घंटे पहले बेचारी अयाना के साथ ये टॉर्चर वाला काम शुरू किया गया था और उसने पूरे 9 घंटों तक वो भयंकर दर्द झेला होगा जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। सोचकर देखिए बेचारी अयाना उस टाइम पर जिंदा थी जब उसके सिर से उसके बालों वाली पूरी त्वचा को उतारा जा रहा था, वो भी काट कर,
वो जिंदा थी जब उसका पूरा राइट साइड वाला फेस काट कर वो बाहर निकाला जा रहा था। खैर अब यहाँ पर पुलिस वालों ने ब्लेक को अयाना की मौत के आरोप में गिरफ्तार किया और उसका कोर्ट में अब ट्रायल शुरू किया गया। लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन टीम ने उसी नॉवल को एक आधार बनाया इस केस को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि इस ब्लेक द्वारा ही लिखा गया था। वही नॉवल सिंड्रोम जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसने अपने काफ़ी सारे मूवीज़ वगैरह शूट करी थी, साथ ही इसको लिखने का भी शौक था, तो इसने एक सिंड्रोम नाम का नॉवल लिखा था जो कि बहुत ज़्यादा ग्राफिक था। और उसी नॉवल के थ्रू अब पुलिस वालों को पता लगा कि ये जो अयाना को मारने का तरीका है ये उसके दिमाग में कहाँ से आया था। जी हाँ, उसने पहले ही उस किताब के अंदर लिखा हुआ था कि वो एक ऐसा सीरियल किलर बनना चाहता है जो कि लड़कियों को मार मार कर उनके शरीर से खून निकाले, उनका सिर को आधा आधा काट दे। ये पूरा का पूरा डिटेल जो कि अयाना के साथ हुआ वो सारी की सारी उसने सिंड्रोम नॉवल के अंदर लिखी हुई थी। यहाँ पर अदालत ने सीधा ही पहले ही ट्रायल के एंड में ब्लेक को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी और साथ ही यहाँ पर प्रोसिक्यूशन टीम ने डेथ पेनल्टी की डिमांड भी नहीं करी। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि डेथ पेनल्टी की सजा को पूरी करवाने में उनको सालों 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 तक ये केस लड़ना पड़ेगा, और साथ ही उनको पता था कि पिछले 10-12 सालों में अमेरिका के अंदर किसी को भी मौत की सजा नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली जिनको भी मौत की सजा दी जाती है उनकी सजा को बाद में पलट कर उम्र कैद की सजा में बदल दिया जाता है, तो हम क्यों ना सीधा ही इस ब्लेक को उम्र कैद की सजा दिलवाएं, ताकि अगर इसको मौत की सजा मिली हो और बाद में जब वो उम्र कैद में बदलेगी तो इसको थोड़ी खुशी होगी, लेकिन हम इसको वो खुशी फील नहीं करवाना चाहते। सिर्फ इसलिए यहाँ पर ब्लेक को कैद की सजा दिलवाई गई। सन 2019 में ही कोर्ट द्वारा ब्लेक को ये ऑर्डर दिया गया कि उसको अयाना के परिवार को $42 million भी मुआवजे के तौर पर देने पड़ेंगे, और वो उसने दिए भी। और उसके बाद यहाँ पर अयाना की माँ यानी कि ओल्गा और उसकी बच्ची दोनों ही वापस यूक्रेन शिफ्ट हो गए, और बाद में उनके साथ क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बाद में आपको पता ही है कि वहाँ रशिया के साथ वॉर छिड़ गई थी, और उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैड हैपेंड। खैर ये केस था बेचारी अयाना कासियन का, सोचकर देखिए उसने कितना दर्द झेला होगा। वो बेचारी यहाँ US के अंदर एक अच्छी जॉब के लिए आई थी, एक अच्छे करियर के लिए आई थी, लेकिन अच्छे करियर के तौर पर उसे ब्लेक नाम का एक राक्षस मिल गया, और उस राक्षस ने उसके साथ वो सब किया जो कि एक इंसान तो कभी किसी के साथ नहीं कर सकता। खैर आपको इस केस के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे जरूर बताइए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पर भी मैं ऐसे ही केसेस की छोटी छोटी रील्स बनाकर डालता हूं, तो आप प्लीज वहां मुझे फॉलो जरूर कर लें। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट इलियास को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।